नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि आप माध्यमिक कक्षा अर्थात हाई स्कूल का विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, तो अपनी वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको हमारे वीडियो संबंधी कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथ में ही मैं आपको एक नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ स्क्रीन पर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेजेस के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लेसन या टॉपिक से रिलेटेड कोई परेशानी अगर आपको आ रही है तो वो आप हमसे इस नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। और हाँ, ये एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आप हमारी इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए जो NIOS माध्यम बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं और साथ ही साथ अन्य किसी हिंदी बोर्ड माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं, जिनसे कि उन्हें अध्ययन करने में सरलता हो सके। आज हम मॉड्यूल 3 गतिमान वस्तुएं के यूनिट 9 गति और इसका वर्णन का अध्ययन करेंगे। गति और इसका वर्णन। पिछले वीडियो में हमने दूरी, विस्थापन और चाल के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे उसका अगला जो टॉपिक है वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पहले दोहरा लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। वहाँ पर एक हमने पढ़ा था दूरी और विस्थापन। तो दूरी, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम दो बिंदुओं के बीच जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें घर से स्कूल का, तो अगर उसके चार रास्ते हैं तो चारों रास्तों की लंबाई अलग अलग होगी, तो ये तो हो गई उसकी दूरी। लेकिन जो न्यूनतम दूरी होगी घर से स्कूल की, न्यूनतम दूरी, और वो एक सरल रेखा में होगी, वो उसका होगा विस्थापन। तो तीनों ही दशाओं में जो विस्थापन होगा वो तीनों के लिए सेम होगा, तीनों रास्तों के लिए विस्थापन सेम होगा। लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता है, जो एक सरल रेखा होगी, उसके लिए दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था चाल। चाल का सूत्र होता है तय की गई दूरी बटे समय अंतराल, कि एक यूनिट टाइम में, या हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में या एक घंटे में तय की गई दूरी ही चाल है। क्योंकि हम देखा होगा आपने, स्पीड को हम चाल को अंग्रेजी में स्पीड बोलते हैं, तो स्पीड हम जहाँ पर भी लेते हैं, आपने देखा होगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 5 किलोमीटर, या 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो ये होती है चाल। आज हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वेग, जिसको कि अंग्रेजी में वेलोसिटी बोला जाता है। जब गति न्यूनतम लंबाई के पथ पर हो तो यह प्रारंभ बिंदु से समापन बिंदु की दिशा में होगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने उसमें दो रास्ते आपको बताए थे, और उसमें जो सबसे छोटा रास्ता था न्यूनतम दूरी, वही उसका विस्थापन था। तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि वेग के बारे में। अब वेग को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ यह है कि जब गति न्यूनतम लंबाई के पथ पर हो तो ये प्रारंभ बिंदु से समापन बिंदु की दिशा में होती है। वहाँ पर हमने एक आयत दिखाया था जिसमें हमने आपको बताया था, जो सबसे छोटे वाला पाथ था, जो उसका विकर्ण था, उस दशा में गति जो होगी वो प्रारंभ बिंदु से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दिशा में ही होगी हर हाल में। यह गति कितनी तेज है, इसे वेग द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो उसके न्यूनतम लंबाई के पथ पर जो गति हो रही है वो कितनी तेज है, इस चीज को समझने के लिए हमें वेग को जानना जरूरी है। वेग न्यूनतम पथ की लंबाई यानी विस्थापन और लगे हुए समय का अनुपात है। तो वेग को अगर हम सरल भाषा में जाने तो वेग क्या है, तो जो सबसे छोटा पथ होगा, जो कि न्यूनतम पथ होगा, सबसे छोटा रास्ता जो होगा,
उसकी लंबाई, अब हमने पढ़ा था कि जो न्यूनतम लंबाई का पथ होता है वही विस्थापन होता है, क्योंकि वो सरल रेखा में होता है और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की ओर होता है। तो इसमें हम यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको कि वेग जो होता है वो न्यूनतम पथ की लंबाई, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक बार आप फिर से जाके देखें। तो वेग न्यूनतम पथ की लंबाई यानी कि उसके विस्थापन, और उस विस्थापन को करने में लगे हुए समय का अनुपात होता है। बस ये समझना जरूरी है आपको कि वेग है क्या। तो न्यूनतम पथ की लंबाई जिसको कि हम विस्थापन कहते हैं, वो डिवाइडेड बाय उतना विस्थापन करने में जितना समय लगा है हमें, उसके अनुपात को हम वेग बोलते हैं। वेग का सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय अंतराल। वेग का मतलब हो गया विस्थापन, जो न्यूनतम पथ की लंबाई है, और उस लंबाई को तय करने में जो समय अंतराल लगेगा, उस दोनों के अनुपात को हम वेग कहते हैं। न्यूनतम पथ या विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दिशा में होता है। हमने कि देखा है कि जब हम न्यूनतम पथ की बात करते हैं, उस न्यूनतम पथ को हम विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन कब होता है? विस्थापन हमेशा वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट यानी कि अंतिम स्थिति की दिशा में होता है। प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू करेंगे और एंड जो हमारी अंतिम बिंदु है वहां तक पहुंचता है, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा में होता है विस्थापन हमेशा। अतः वेग की दिशा भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। इसको एक बार फिर से समझिए कि न्यूनतम पथ या विस्थापन वस्तु की हमेशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दिशा में होता है। विस्थापन हमेशा कहाँ होता है? जो प्रारंभिक स्थिति है वो वहां से अंतिम स्थिति की दिशा में, वहां से लेकर वहां तक। तो यहां पे हम ये बताना चाह रहे हैं अब, क्योंकि वेग में हमने वेग वेग क्या है? वेग है अनुपात हमारा विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात है। तो इसलिए क्योंकि विस्थापन प्रारंभ की कोई दिशा है, विस्थापन हमेशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होता है, तो इसीलिए वेग की भी दिशा होती है, और वो भी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है, क्योंकि वेग डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली निर्भर करता है हमारे विस्थापन पर। तो विस्थापन की जो दिशा होती है वही वेग की दिशा होती है। तो यहां से हमें ये पता चला कि वेग में दिशा होती है क्योंकि विस्थापन में दिशा होती है। अब चाल की बात करते हैं। चाल में दिशा नहीं होती है क्योंकि यह किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई कुल दूरी पर निर्भर करती है। चाल का क्योंकि सूत्र था चाल बराबर तय की गई दूरी बट्टे समय अंतराल, जबकि वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय अंतराल। तो विस्थापन की दिशा होती है इसलिए वेग की दिशा होती है, लेकिन अगर चाल की बात करें तो चाल बराबर तय की गई दूरी बट्टे समय अंतराल, और तय की गई दूरी की कोई दिशा नहीं होती, वो किसी भी दिशा में हो सकती है तय की गई दूरी। तो चाल में दिशा नहीं होती है क्योंकि यह किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई कुल दूरी पर निर्भर करता है। अब हम यहाँ पे ये बताते हैं आपको कि सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सदिश राशि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी राशियां जिनमें दिशा होती है, मतलब जिसमें डायरेक्शन होती है, सदिश राशि कहलाती है, और जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश राशि कहलाती है। तो सदिश मीन्स विद डायरेक्शन दिशा के साथ, अदिश मीन्स विदाउट डायरेक्शन दिशा ही। तो अगर यहाँ पे हम बात करें चाल और वेग की, तो चाल हो गई, चाल कौन सी राशि है हमारी? अदिश राशि है, क्योंकि चाल किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी पर निर्भर करती है, इसलिए अब वो भी क्योंकि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसी भी दिशा में हो सकती है तो अदिश राशि है। लेकिन जो वेग होता है वो विस्थापन पर निर्भर करता है, और विस्थापन हमेशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर ही होता है, इसलिए हमारा जो वेग हो गया वो भी सदिश राशि है। इस प्रकार वेग को निम्न रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो वेग का अगर हम फॉर्मूले की बात करें, वेग का अगर सूत्र की बात करें हम लोग, तो आप याद कर लीजिए इसे कि वेग बराबर स्थिति में परिवर्तन बट्टे समय। तो स्थिति में परिवर्तन वही चीज हो गई कि प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति में पहुंचा, मतलब विस्थापन बट्टे समय,
विस्थापन यानी कि स्थिति में परिवर्तन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण आपको बताएंगे इसमें कि क्रमशः 60 मीटर और 80 मीटर भुजाओं के आयताकार क्षेत्र पर दो किसान, अभी हमने आयताकार क्षेत्र दिखा दिया आपको, एक आयताकार खेत है समझ लीजिए, इसमें ये एक भुजा 60 मीटर और एक भुजा 80 मीटर है, 80 और 60 मीटर का एक ये आयताकार क्षेत्र है जिसमें कि दो किसान है ए और बी, और वो चित्र के अनुसार दो भिन्न भिन्न पथों से होते हुए विकर्णतः विपरीत बिंदु तक पहुंचने में समान समय यानी कि 30 मिनट लेते हैं। दोनों किसान के वेग और चाल ज्ञात कीजिए, हमें दोनों किसानों का वेग भी बताना है चाल भी बतानी है। तो देखिए ए जो है वो इस पाथ से विकर्णतः, इसी को हमने बोला है विकर्णतः विपरीत बिंदु तक पहुंचने में, ए पहुंचता है और ये हो गया बी के पहुंचने का रास्ता। तो देखिए अभी पिछली वीडियो में भी हमने आपको इससे समझाया था, ये देखिए ए ये दूरी तय करेगा और बी द्वारा तय की गई दूरी ये होगी। यहां से थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो पथ की लंबाई होती है दूरी कहलाती है, ये भी दूरी है, और अगर एक कोई तीसरा होता तो ये भी दूरी ही होती। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन न्यूनतम पथ की लंबाई होगी, न्यूनतम पथ आपका कौन सा वाला है, ये विकर्ण जो है इसका न्यूनतम पथ है, ठीक है, ये इसका विस्थापन होगा इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी। और देखिए विस्थापन हमेशा जो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि प्रारंभिक बिंदु यानी कि ये वाली बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा में होता है, इसलिए सदिश राशि है, ठीक है। लेकिन देखिए दूरी की बात करें तो तय की गई दूरी देखिए पहले इस डायरेक्शन में गई फिर इस डायरेक्शन में आई, देख रहे हैं आप, पहले इस डायरेक्शन में गई फिर इस डायरेक्शन में आई। तो देखिए इसकी दिशा का कुछ निर्धारण नहीं है, कोई भी दिशा हो सकती है। इस केस में देखिए पहले इधर आएगा इस दिशा में जाएगा फिर इस दिशा में जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये विस्थापन के केस में, लेकिन आप देखिए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर है जो दूरी है उसकी। तो इसलिए हमने अदिश और सदिश राशि आपको बताया था, चलिए ठीक है इसको और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें चाल और वेग दोनों निकालने हैं, थोड़ा हमें यहाँ से क्लियर होगा कंसेप्ट। तो दोनों किसानों का विस्थापन समान है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसान ए और किसान बी की बात करें तो ए द्वारा तय की गई दूरी तो ये होगी जो हमने लाल रंग के एरोज के थ्रू हमने शो करी है आपको, ये लाल रंग के तीर के निशान जो दिखाए गए हैं, ये तो दूरी हो जाएगी पथ की। लेकिन अगर हम बात करेंगे विस्थापन की, पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन विस्थापन ए का भी ये वाली दूरी ही होगी, ये विकर्ण के बराबर, विकर्ण बोलते हैं इसको, आपको पता होगा मैथमेटिक्स में आपने गणित में पढ़ा होगा। तो ये जो दूरी है यही न्यूनतम पथ है और इस न्यूनतम पथ के बराबर ही विस्थापन होगा। विस्थापन दोनों ही केस में विस्थापन समान होगा क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के लिए सेम है, तो विस्थापन भी सेम होगा, दोनों किसानों का विस्थापन समान है। यानी कि कितना है अगर विस्थापन की बात करें, क्योंकि इसकी तो लंबाई हमें दी नहीं गई है, तो इसकी लंबाई हम पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू निकाल सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि विकर्ण की लंबाई बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जैसा कि देखिए लंब का स्क्वायर लंब की घात दो प्लस आधार की घात दो का होल अंडर रूट, यानी कि इसे वर्गमूल कहा जाता है कि आधार की लंबाई लंब की लंबाई का की घात दो लंब की लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार की लंबाई का स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल जब हम लेंगे तो देखिए 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 की घात दो 3600 प्लस 80 की घात दो 6400, इस पर से वर्गमूल लग जाएगा, फिर इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड किया 10000 और ये देखिए वर्गमूल, और 10000 किसका, 10000 का वर्गमूल क्या होगा 100, क्योंकि 100 को दो बार गुणा करेंगे तो 10000 मिलेगा। तो ये तो आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। तो इसकी लंबाई सिंपल आप याद कर लीजिए, कहीं भी विकर्ण की लंबाई निकालनी है और इन दोनों भुजाओं की लंबाई आपको ज्ञात है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट, जैसे कि यहां पर हमने दिखाया है।
अब हम ए और बी के वेग की बात करेंगे। तो अभी हमने बताया कि ए जो का जो रास्ता है वो ये है, बी का रास्ता है ये है, लेकिन हमने बताया था कि दोनों ही दशाओं में विस्थापन दोनों का सेम है। तो हमें पता है कि वेग का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि विस्थापन बट्टे समय अंतराल। देखिए वेग को हमने छोटा वी जो होता है स्मॉल वी से शो किया है, वेग वेलोसिटी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इसलिए हमने स्मॉल वी लिया है। तो स्मॉल वी इज इक्वल्स टू स्मॉल वी बराबर विस्थापन बट्टे लगा समय। तो विस्थापन हम दोनों ही दशाओं में विस्थापन तो न्यूनतम पथ की दूरी होगा, देखिए ये वाला होगा विस्थापन, इसके लिए भी विस्थापन ये वाला ही होगा और इस वाले के लिए भी विस्थापन यही होगा। तो विस्थापन हमने निकाल लिया था 100, क्योंकि इस वाली भुजा की लंबाई विस्थापन के बराबर होगी, तो हमने 100 निकाल लिया था। तो 100 मीटर बट्टे लगा समय, समय कितना लगा था अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। अगर हम देखें फिर से जाते हैं, हमने देखा कि 30 मिनट लेते हैं, दोनों ही 30 मिनट लेते हैं, तो इसलिए हमने 30 आया हमारा 30, 30 मिनट था तो मिनट को हमें सेकंड में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं या मीटर सेकंड की घात एक में निकालते हैं। तो देखिए 100 मीटर डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ मीटर है तो इसे भी सेकंड में बदल लेंगे, मीटर डिवाइडेड बाई 30 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 30 × 60 सेकंड हो जाएगा। अब आप इसको अगर सरल कर लेंगे और तो 1/18, इसको चाहे तो दशमलव में भी निकाल सकते हैं, चलिए ऐसे भी ठीक है, फ्रैक्शन में आपने निकाल दिया अनुपात के रूप में, तो ये मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड की घात 1 की घात 1। अब बात करते हैं हम ए की चाल और बी की चाल क्या होगी। वेग तो दोनों का बराबर होगा हमने बताया, क्योंकि वो विस्थापन पर निर्भर करता है और लिए गए समय पर निर्भर करता है। विस्थापन समय है दोनों के लिए, लिया गया समय सेम है, तो वेग दोनों के लिए सेम होगा। अब बात करते हैं चाल की। चाल निर्भर करती है तय की गई दूरी पर। तो आपको पता है कि एक किसान जो है, एक किसान के द्वारा तय की गई दूरी ये है। अब आप पता लगा सकते हैं कितनी होगी, ये वाली भुजा है हमारी 80 मीटर, देखिए लिखा है 80, तो इसके अपोजिट भी 80 ही होगी। 80 प्लस ये वाली कितनी होगी, देखिए ये वाली दी हुई है 60, तो ये वाली भी 60 होगी। तो ए के द्वारा तय की गई दूरी होगी 80 + 60, जबकि बी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, इसके विकर्ण के बराबर, जो अभी हमने पिछले में निकाली थी, वही 60 का स्क्वायर + 80 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल का, पूरे का वर्गमूल, तो वो आ गया था हमारा 100। तो ये है हमारा 100 मीटर, ये 80 मीटर, ये 60 मीटर। तो ए द्वारा तय किया गया पथ की लंबाई 80 + 60 और बी के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई 100 मीटर। तो आप देखिए इससे चाल निकाल लेंगे, ए की चाल तय की गई दूरी बट्टे लगा हुआ समय। तय की गई दूरी अभी मैंने बताई थी आपको, ए के द्वारा तय की गई दूरी 80 + 60, ये देखिए 80 + 60 मीटर लिख दिया हमने, लगा समय 30, दोनों को ही पहुंचने में कितना 30 मिनट का टाइम लगा था, तो 30 मिनट, 30 को हम सेकंड में बदल लेंगे, 30 × 60, देखिए ये हमने किया, इसको आप हल कर लीजिएगा गुणा भाग करके, तो ये मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं सर, ये मीटर सेकंड की घात -1, इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो जो भी आंसर आएगा, आप चाहे तो उसे ऐसे ही फ्रैक्शन के रूप में दिखा दीजिए, मतलब अनुपात के रूप में दिखा दीजिए, दशमलव में निकाल लीजिए। अब बी के द्वारा तय की गई चाल क्या होगी, सीधे सीधे बी के द्वारा तय की गई, सॉरी बी की चाल क्या होगी, तो बी द्वारा तय की गई दूरी यानी कि ये वाली भुजा की लंबाई हमने निकाल ली थी 100, वही उसका विस्थापन भी था, अभी कंफ्यूज मत करिएगा आप इस चीज में, तय की गई दूरी भी 100 ही है और इसका विस्थापन भी 100 ही है। तो तय की गई दूरी इसकी लंबाई है, तो ये लंबाई हमने 100 निकाली थी, देखिए 100 लिखा यहाँ पे, नीचे लगा समय, इसको भी 30 मिनट का समय लगा, 30 × 60, तो आपने आंसर निकाल लिया इसका, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो ये आ गया 1/18 मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड की घात 1। प्रति सेकंड में अगर सेकंड को ऊपर ले आएंगे हम, प्रति हटा देंगे, उसका पर हटा देंगे, तो वो -1 उसकी पावर बन जाएगी, क्योंकि नीचे जो पावर होती है +1 होती है। इस उदाहरण में दोनों किसानों का वेग तो समान है लेकिन चाल समान नहीं है। वेग समान क्यों है, क्योंकि दोनों का विस्थापन समान है और दोनों के द्वारा तय की गई दूरी में लगा हुआ समय समान था, इसलिए वेग समान था। और चाल समान नहीं थी क्योंकि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी भिन्न भिन्न थी। इसके द्वारा तय की गई दूरी थी आपकी 60 + 80 और इसके द्वारा तय की गई दूरी थी 100 मीटर, इसीलिए चाल दोनों की अलग अलग थी। अब हम बात करते हैं औसत चाल और औसत वेग की। अगर हम समय के निश्चित अंतराल के दौरान
ज्ञात चाल की सहायता से ना तो दिए गए समय में यात्रा में तय की गई कुल दूरी को ज्ञात किया जा सकता है और ना ही दी गई यात्रा की कुल दूरी में लगे समय को ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वस्तु जो है वो समान गति से नहीं चलती, कभी तेज चलती है कभी असमान गति से चलती है, मतलब कभी तेज चलेगी कभी हल्की चलेगी। तो आप ऐसे अलग अलग पॉइंट में क्या उसकी चाल निकालेंगे फिर उन चालों को जोड़ेंगे, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाएगा आपको दूरी निकालने का और उसकी चाल निकालने का। तो इसी के लिए हम लोग औसत चाल और औसत वेग का कंसेप्ट हमारा आता है, क्योंकि वस्तु की चाल अगर हम देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि देहरादून से दिल्ली तक हम बिल्कुल एक ही चाल से जाएंगे या बिल्कुल एक ही वेग से हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, वो समय के अनुसार बदलती रहेगी। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा टोटल दूरी निकालना और उस दूरी को तय करने में लगा हुआ समय निकालना। तो इसके लिए हम औसत चाल और औसत वेग का कंसेप्ट हमारा यूजफुल है। औसत चाल का मान, अब बात करते हैं औसत चाल की, जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो औसत चाल का मान तय की गई कुल दूरी और चलने में लिए गए कुल समय के अनुपात के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। सिंपल है बिल्कुल। औसत चाल हम कैसे निकालते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी उसने कितनी तय की है और कुल कितने समय में तय की गई है, इन दोनों के अनुपात के द्वारा हम औसत चाल का ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात कर सकते हैं। तो औसत चाल हो गई, सिंपली औसत चाल का फॉर्मूला हो गया वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी बट्टे लिया गया कुल समय, बट्टे मतलब इन दोनों का अनुपात। तय की गई कुल दूरी, आप सीधे देखिए कितनी दूरी तय की है वस्तु ने और उसमें कितना समय लगा है दूरी को तय करने में, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही उसकी औसत चाल होगी। इसी तरह औसत वेग ज्ञात करने के लिए तय की गई कुल दूरी के बदले में कुल विस्थापन लिया जाएगा। जैसा अभी हमने पढ़ा वेग का फॉर्मूला क्या होता था, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पे अगर हम चाल की बात करते हैं तो तय की गई दूरी लेते हैं, क्योंकि चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई दूरी बट्टे समय अंतराल। तो यहाँ पे हमने औसत चाल की बात करी तो तय की गई कुल दूरी बट्टे लिया गया कुल समय। यहाँ पे हम जो वहां पे हमने बात करी थी यूनिट समय की बात नहीं करते हैं, हम लोग सेकंड की या प्रति सेकंड एक मिनट एक सेकंड में कितना चला उतनी ही समय नहीं लेते हैं, बल्कि टोटल जो समय होता है टोटल उस दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उन दोनों के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। और अगर औसत विस्थापन औसत वेग की बात करें तो उस केस में जो दूरी तय की गई कुल दूरी है उसकी जगह पे हम कुल विस्थापन ले लेंगे और लिया गया कुल समय ले लेंगे, तो ये हो जाएगा औसत वेग। तो औसत वेग का हमारा जो सूत्र हो जाएगा कुल विस्थापन बट्टे लिया गया कुल समय। कुल विस्थापन हो गया अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच का बीच की दूरी, विस्थापन जो हम न्यूनतम पथ की दूरी बोलते थे वही विस्थापन हो गया और लिया गया कुल समय। यदि एक वस्तु 50 मीटर की दूरी तो 30 सेकंड में तय करती है और अगली 100 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय करती है तो तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी। अभी हम वही बात अब समझाना चाह रहे हैं आपको, चाल और दूरी जो अभी हम कहते हैं औसत चाल और औसत वेग। अब क्योंकि हम मान रहे हैं कि एक 150 मीटर का पूरा हमारा टोटल लंबाई है उसमें से 50 मीटर की दूरी तो 30 सेकंड में तय करती है और अगली 100 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय करती है। देखिए दोनों का समय में डिफरेंस है, अलग अलग चाल से चल रही है वस्तु, तो इस केस में हम केवल चाल का कौन सा हमें औसत चाल लेना पड़ेगा। तो तय की गई, आप वही बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई 50 मीटर पहली 100 मीटर दूसरी, तो 50 प्लस 100 तो 50, ये देखिए 50 प्लस 100 150 मीटर, ये तो हो गई तय की गई कुल दूरी। अब लिया गया कुल समय, इस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय हमें पता है पहली दूरी 30 सेकंड में तय की थी दूसरी दूरी 45 सेकंड में, तो 30 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 75 सेकंड। अभी हमने बताया था आपको औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय का अनुपात, तो हमने दोनों चीजें हमें मिल गई हैं। तो औसत चाल का फॉर्मूला था तय की गई कुल दूरी बट्टे लिया गया कुल समय, तो कितना आ गया 150 बट्टे 75। आप इसको हल करेंगे तो 75 दुनी 150, तो 2 हमारा मीटर, ये मीटर में है ये सेकंड में है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, इसको हम मीटर सेकंड की घात 1 भी लिख सकते थे। अब एक हम ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि एक वस्तु 50 मीटर की दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
और 60 मीटर की दूरी 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो तय की गई कुल दूरी यानी कि कितनी दूरी तय की है, 50 और 60 यानी कि 50 प्लस 60 इसलिए 110 मीटर, और लिया गया कुल समय 50 मीटर और 60 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय के योगफल के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक वस्तु है जो 50 मीटर की दूरी तो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, अब देखिए यहाँ पे समय ना देके इन्होंने चाल दे दी है, चाल बराबर होता था तय की गई कुल दूरी बट्टे समय। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमें दूरी और समय दिया था, यहाँ पे हमें दूरी दे दी है और बता दिए पहली 50 मीटर की दूरी उसने 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय की। तो अगर ये दोनों चीजें, कोई भी दो चीजें हैं, अगर एक फॉर्मूले में दो चीजें दी हुई हैं तो तीसरी चीज हम निकाल लेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों की सहायता से समय निकाल लेंगे। उसी तरह दूसरी 60 मीटर की दूरी 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो यहाँ पर भी हम लोग समय निकाल लेंगे इन दोनों राशियों के माध्यम से। तो तय की गई कुल दूरी पहले तो हमें पता है 50 प्लस 110 मीटर है, और लिया गया कुल समय जो है वो हम यहां से निकाल लेंगे। देखिए समय इसमें नहीं दे रखा है, तो पहली 50 मीटर की दूरी तय करने में उसने कितना समय लिया होगा, यहाँ पे समय नहीं दे रखा है, इन्होंने चाल दे दी है। हमें पता था कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, हाँ, तो हमें यहाँ पे पता है कि चाल का जो सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर तय की गई दूरी बट्टे समय, जबकि यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो दूरी दे रखी है 50 मीटर और चाल दे रखी है, समय नहीं दिया है। तो इस वाले केस के लिए हम लोग समय निकाल लेंगे, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो समय को अगर समय निकालना है इस सूत्र के माध्यम से, तो आप अगर सरल करके देखेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, समय बर क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो देखिए ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे पहले केस के लिए दूरी 50 मीटर बट्टे चाल 5 मीटर प्रति सेकंड प्लस दूसरे वाले की दूरी 60 और चाल 6 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये है ये, और ये जो चाल है ये 5 प्लस दूसरे केस में चली गई दूरी 60 और चाल 6। तो पहले केस की चाल हो गई ये, सॉरी पहले केस में जो समय होगा लगा हुआ वो ये होगा, और दूसरे केस में लगा हुआ समय ये होगा। इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, 5 धाम 50, 6 धाम 60, तो 10 प्लस 10 20 सेकेंड। तो यानी कि इस 50 प्लस ये 60 मीटर दूरी तय करने में जो समय लगा है वो हो गया 20 सेकेंड, क्योंकि हमने इन दोनों केसेस का अलग अलग समय निकाल लिया। ये दूरी थी, ये चाल थी, फिर से बता रही हूँ, ये दूरी ये चाल, इससे हमने समय निकाल लिया। फिर ये दूरी दूसरे केस के लिए, ये चाल, इससे समय निकाल लिया, समय बराबर दूरी बट्टे चाल सूत्र से ये 20 सेकंड आ गया। अब औसत चाल की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बट्टे लिया गया कुल समय। तो तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, यहां से पता ही चल रहा है हमें, 50 मीटर प्लस 60 मीटर जो हमने यहां बताया भी है, 110 मीटर, ये 110 मीटर, और लिया गया कुल समय ये हो गया 20, ये देखिए 20 सेकंड। तो अगर इसको सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड की घात -1, ये हो गई औसत चाल। अब एक और हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं विस्थापन को। अभी हमने औसत चाल देखी थी, अब औसत वेग पे आते हैं, इसके लिए हमें विस्थापन फिर से हम देखते हैं विस्थापन के बारे में। अब देखिए यदि एक वस्तु 10 सेकंड में उत्तर की ओर और 30 मीटर उत्तर की ओर 30 मीटर यदि एक वस्तु 10 सेकंड में उत्तर की ओर 30 मीटर और फिर अगले 10 सेकंड में पूरब की ओर चलती है, तो पहले 10 सेकंड में उत्तर की ओर गई 30 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में वो 40 मीटर पूरब की ओर चलती है, तो वस्तु का विस्थापन OB होगा। देखिए यहां से समझिए, ये देखिए यहां से वस्तु ने चलना शुरू किया, पहले 10 सेकंड में 30 मीटर उत्तर की ओर गई, ये दिशा उत्तर है, देखिए ये उत्तर, ये वाली पूरब होती है, इसके अपोजिट ये पश्चिम होती है,
ये उत्तर होती है और इसके अपोजिट दक्षिण होती है। आप एक ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर भी मैं बता रही हूँ, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, 30 मीटर जाती है पहले 10 सेकंड में उत्तर की ओर, ये उत्तर दिशा में गई। अब दूसरी दिशा में जाती है पूरब की ओर, कितना, 40 मीटर। यहाँ से अब पूरब जाना है तो पूरब के लिए ये देखिए, ये पूरब को जा रही है, ये 40 मीटर चलती है, ठीक है। मतलब यहां से चलना प्रारंभ हुआ, पहले उत्तर गई 30 मीटर, फिर 40 मीटर पूरब गई। तो अब अगर यहाँ पे हम औसत वेग की बात करेंगे तो उसके लिए हमें विस्थापन पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने आपको 30 और 40 बताया, 30 मीटर और 40 मीटर, यानी कि 30 प्लस 40, तो इस वस्तु के द्वारा तय की गई पूरी कुल दूरी है ये। मतलब यहां से यहां पहुंचने में, ये प्रारंभिक बिंदु था, ये इसका अंतिम बिंदु था, यहां तक पहुंचने में इसने इस पथ को फॉलो किया, इस रास्ते पे गई, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी तो आपको पता ही होगा कि 30 प्लस 40 मीटर। लेकिन इस दशा में विस्थापन क्या होगा, हमें पता है विस्थापन होती है दो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो आपको दिख रहा है चित्र, न्यूनतम दूरी हर हाल में यही होगी। मतलब ये इसके द्वारा तय की गई दूरी है और ये है न्यूनतम दूरी, जिसे कि हम विस्थापन बोलते हैं। तो इस दशा में विस्थापन क्या होगा हमारा, ओ बी, पथ की लंबाई। तो पथ तो कौन सा पथ उसने अब लिया है जाने के लिए, ओ ए बी, जिसकी लंबाई हो गई 30 प्लस 40, ये तो हो गई तय की गई दूरी। और अगर इस कंडीशन में विस्थापन की बात करें तो वो होगा ओ बी, जो कि हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। अभी ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था उसको निकालने का तरीका, इसकी घात 2 प्लस इसकी घात 2 और पूरे का वर्गमूल। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो हमें विस्थापन मिल जाएगा। तो हमें विस्थापन निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे औसत वेग की बात कर रहे हैं। तो हमने विस्थापन निकाला, देखिए मैंने आपको 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का वर्गमूल, ये देखिए ये आ गया 2500 का वर्गमूल, हर हल किया और 2500 का वर्गमूल आ गया 50, क्योंकि 50 को 2 बार आप अगर गुणा करेंगे तो 2500 आएगा, तो 50 मीटर हमारा आ गया विकर्ण की लंबाई, यानी कि ओ बी, जो कि हमारा विस्थापन भी है। अब हम औसत वेग निकाल लेंगे यहां से। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता था, औसत वेग का हमारा फॉर्मूला था कुल विस्थापन बट्टे लिया गया कुल समय। तो कुल विस्थापन क्या हुआ इस कंडीशन में, ओ बी जो हमने निकाल लिया, कुल विस्थापन बट्टे लिया गया कुल समय, तो 50 मीटर विस्थापन हो गया और लिया गया कुल समय क्या हो गया, पहला 10 और दूसरा 10, तो 10 और 10 20 सेकेंड, 50 मीटर बटे 20 सेकेंड, तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, या मीटर सेकेंड की घात 1।